हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट कमांड जो कि मोस्टली यूज्ड अगर हम किसी ऐसे डेटाबेस के कमांड की बात करें जो किसी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है सेलेक्ट कमांड सो सेलेक्ट कमांड इज यूज टू फेच रिकॉर्ड्स फेच का मतलब होता है गेट करना फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस tables select command select command is the mostly used query mostly used query of database mostly used query of database select command select command is used to is used to fetch any part of record any part of record from the फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स डेटाबेस बहुत बड़ा डेटा बेस है उसमें से आप कोई भी छोटा रिकॉर्ड खोजना चाहते हैं सेलेक्ट कमांड आपको सारे तरीके देगा वे टू यूज सेलेक्ट कमांड टू यूज सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट कमांड जैसे आ, बहुत सारे तरीके से हम सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं जैसे मैं जस्ट फॉर द एग्जाम्पल बता रही हूँ लाइक सेलेक्ट

सेलेक्ट विथ ग्रुप by, सेलेक्ट विथ ऑर्डर बाय ऑर्डर by क्लॉज के साथ हमें ये सब क्या काम करता है किस लिए यूज होता है आप आगे देखोगे सेलेक्ट विथ ज्वाइनिंग हम बहुत सारे टेबल्स के बीच में ज्वाइनिंग लगाते हैं वहां भी हम सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे तरीके हैं हम फंक्शंस बहुत सारे तरीके के फंक्शंस अप्लाई करते हैं जैसे डेट टाइम के फंक्शन स्ट्रिंग के फंक्शंस लोअर अपर और ऐसे कट करना और बहुत सारे आ, ऐसे फंक्शन है जो हम लोग अलग अलग टाइप के कॉलम्स पे लगाया करते हैं सेलेक्ट कमांड का क्या है? मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स है सेलेक्ट कमांड का काम क्या है सबसे फर्स्ट में वो आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो सेलेक्ट कमांड किसी भी बड़े डेटाबेस से बहुत बड़ा टेबल कहीं आपने बना रखा है सपोज मैं आ, थोड़ा सा आपको एक अगर ग्लिम्प्स देना चाहूँ एक टेबल्स कैसा दिखता है और कैसे हम उसमें रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं जिसके बारे में सो so, जैसे ये हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने एक डेटा को कनेक्ट किया जैसे यहाँ डेटा दिखेंगे और हमने काफी सारे डेटा बेसिस यहाँ पे बना रखे हैं इसमें से कोई भी एक डेटा हम अभी के लिए यूज कर रहे हैं सपोज और मैं इस टेबल के रिकॉर्ड को देखना चाहती so, पास कोई ऐसे टेबल हम सेलेक्ट करते हैं जहां पे बहुत सारे डेटा हों ताकि हम आ, आपको ब्रॉड मैनर में बता सकें वेट फॉर अट कोई भी ऐसा टेबल है हमारे पास यहाँ हम टेबल से रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं और वहां पे हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड का जैसे हमने कोई टेबल बना दिया उसमें हमने बहुत सारे कॉलम्स बनाए हमने उसमें बहुत सारे रोज स्टोर किया उसमें से कोई भी एक छोटा डेटा हमें निकालने की जरूरत है खोजने की जरूरत है तो हम क्या यूज करेंगे हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड को हम कैसे यूज करते हैं मैं उसके बारे में बताती हूँ सेलेक्ट तो कमांड का सिंटेक्स बहुत ही ईजी है हम लिखते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट के बाद हम लिखते हैं कॉलम के नेम जिस जिस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है नेम्स भी लिख सकते हैं कॉमा कॉमा से सेपरेट करके फिर जब हमने सारे कॉलम लिख दिए तो हम लिखते हैं कीवर्ड फ्रॉम फ्रॉम और from के बाद हम लिखते हैं टेबल का नाम किस टेबल से हम रिकॉर्ड्स को फेच करने वाले हैं ऐसे ही अगर आप ऑल रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट ऑल कॉलम्स ऑल कॉलम्स ऑफ द टेबल जब हम सारे टेबल में प्रेजेंट सारे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे तो हम कॉलम का नाम अलग अलग एक एक ना लिख के हम एस्ट्रिक लगा देते हैं और एस्ट्रिक लगाने से बाकी सब कुछ सेम है जैसे ऊपर जो मैंने लिखा कमांड उसको और नीचे जो मैंने लिखा क्वेरी उसको आप कंपेयर कराइए और आप देखिए इन दोनों में क्या अंतर है इन दोनों में अंतर है कॉलम का यहाँ पे तो आप कॉलम के नेम्स को कॉमा कॉमा से सेपरेट करके भी लिख सकते हो या आप अगर नहीं लिखना चाहते तो आप एक साथ एस्ट्रिक भी लगा सकते हो एस्ट्रिक लगाने से टेबल में प्रेजेंट सारे रिकॉर्ड एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे अब ये तो रही सेलेक्ट की बात लेकिन मैंने आपको बताया था हमने आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर द एग्जाम्पल एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम हमने अगर यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट और ऊपर आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में हमने एक टेबल बनाया था जो कि हमने अः यहाँ पे स्टोर ये ये टेबल है हमारा एक छोटा सा सपोज हम इस टेबल से सिर्फ रोल नंबर और नेम कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं हर यूजर के रोल नंबर और नेम क्या क्या जरूरत है हमारी हर एक यूजर के रोल नंबर कॉलम की वैल्यू और नेम कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं मतलब हम सारा कॉलम सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो हम यहाँ कॉलम का नाम लिख देंगे हमने लिख दिया सेलेक्ट नेम कॉमा लगाया फिर टेबल में जैसे कॉलम का नाम लिखा हुआ है एज लिखेंगे नेम कॉमा इज किस टेबल से ये नेम और एज आ रहा है तो ये नेम और एज आ रहा है टीबीएल स्टूडेंट से ये हो गया ये क्या करेगा ये रिकॉर्ड क्या करेगा सेलेक्ट नेम एंड एज कॉलम ऑफ एवरी रिकॉर्ड एवरी रो हर एक रो सेलेक्ट होके आएगी लेकिन उस रो का सिर्फ दो ही कॉलम आएगा नेम और एज अब यहाँ पे बात आती है अगर मैंने लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट तो फिर टेबल में जितने कॉलम्स होंगे और जितने रोज होंगे ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ़ द टेबल ऑफ द टेबल विल बी सिलेक्टेड। बट हम सेलेक्ट को वेयर के साथ भी यूज कर सकते हैं जो सारे कंडीशन मैंने आपको अपडेट के साथ सेलेक्ट के साथ बताया वो सारे कंडीशन आप यहाँ पे सेलेक्ट के साथ भी लगा सकते हैं जो अपडेट के साथ डिलीट के साथ यूज होता है सेम एज इट इज वो सेलेक्ट के साथ भी यूज होता है आने वाली वीडियोस में हम आपको पीएलएसक्यूएल भी बताएंगे उसमें हम बताएंगे कैसे हम लोग इन सॉरी कैसे हम लोग इन कंडीशंस को Procedural या आप उसको programmable बोल सकते हो जहां पे हम advanced SQL की queries को create करते हैं store procedure में function में इंडेक्स बनाते हैं बहुत सारी चीजें वहां भी हम इसको यूज किया करते हैं सो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट और अगर आपने लिखा तो ये सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेगा लेकिन हम क्या लिखेंगे जब हम सारे रो को सेलेक्ट नहीं करना चाहते अगर आप सारे रो को सेलेक्ट नहीं करना चाहते इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल रोज ऑफ द टेबल ऑफ द टेबल यू वॉन्ट टू गेट फ्यू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स या रोज रोज यू हैव टू अप्लाई यू हैव टू अप्लाई कंडीशन कंडीशन बाय यूजिंग बाई यूजिंग वेयर क्लॉज बाई यूजिंग वेयर क्लॉज विथ सेलेक्ट सेलेक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं वेयर uh, क्लॉज का यूज करके कंडीशन लगा सकते हैं जैसे ये हमारी टेबल है और इस टेबल में हम सिर्फ uh, दो रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं कौन कौन सा रिकॉर्ड सिया का एक रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साक्षी का रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं हम कैसे कैसे कंडीशन लगा सकते हैं जहां पे जिसकी वजह से सिर्फ यही दो रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएगा तो अगर हमने लिखा वेयर नेम इक्वल्स टू सिया सिंह तो हो सकता है सिया सिंह कहीं और भी किसी रो में पड़ा हो तो हम रिस्क नहीं ले सकते तो हम सीरियल नंबर वाइज अगर सेलेक्ट करें तो सीरियल नंबर रिपीटेबल रिपीटेटिव नहीं होगा तो हमने क्या किया हमने एक क्वेरी लिखी और क्या क्वेरी लिखी अब आप भी ध्यान से देखिएगा हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट की मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम जहां पे हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर इक्वल्स टू वन जीरो फोर और ऑपरेटर और का यूज कर सकते हैं लिख सकते हैं सीरियल नंबर इक्वल्स टू वन जीरो सिक्स या फिर इसी को हम लिख सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट दोनों से सेम रिकॉर्ड सेलेक्ट हो आएगा वेयर सीरियल नंबर इन ऑपरेटर का यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन है ये एक अलग कंडीशन है ये एक अलग कंडीशन है जब भी हम कई सारे कंडीशन को लगाते हैं तो उसे लॉजिकल ऑपरेटर एंड और आर के हेल्प से हम एड करते हैं कॉनिकेट करते हैं दूसरे से रिलेट करते हैं तो किसी कॉलम में सीरियल नंबर कॉलम की वैल्यू 104 है तो वो सेलेक्ट होके आएगा या फिर अगर सीरियल नंबर कॉलम की वैल्यू 104 नहीं है 106 है तो भी वो सेलेक्ट होके आएगा इसी सेम टास्क के लिए हम क्वेरी ऐसे भी लिख सकते हैं हमने लिखा वेयर सीरियल नंबर इन ऑपरेटर का यूज कर लिया जब एक ही कॉलम से कई सारी वैल्यूज को हमें गेट करना होता है तो हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं पिछली वीडियो में भी हमने बताया था और हमने लिख दिया सीरियल नंबर इन इनके बाद ब्रैकेट बनाया जाता है इसमें पूरी वैल्यूज लिस्ट पास की जाती है जो जो वैल्यू आपको गेट करनी है आप उसे पास कर दीजिए मैंने लिख दिया वन जीरो फोर और वन जीरो सिक्स तो यहाँ इन ऑपरेटर के हेल्प से एक ही कंडीशन हमने लगाया और हमारा काम हो गया आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कराओगे आप देखोगे कि वो बड़ी टेबल से अभी तो टेबल बड़ी नहीं है वो डेमो की टेबल है छोटी हमने एग्जांपल के लिए बना रखा है कभी प्रोजेक्ट वगैरह पे आप काम करोगे तो बड़ी बड़े डेटा आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को यूज किया करते हैं जैसे हमारे पास तो इस तरीके से हम सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज को यूज करते हैं सपोज कि हमारे पास और बहुत सारे तरीके से मैंने कंडीशन लगाना बताया था उन सारे ऑपरेटर्स का यूज आप यहाँ भी सेलेक्ट के साथ भी कंडीशन लगाने में कर सकते हैं इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू एंड एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज हमने देखा था बिटवीन ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर और बहुत सारे ऑपरेटर्स के हेल्प से हम कंडीशन लगाया करते हैं सपोज कि हमारे पास हमने सेलेक्ट कमांड को यूज किया और सेलेक्ट कमांड से हमारे पास कुछ आ, दस बीस डेटा सेलेक्ट होके आ गया या बहुत सारा कलेक्शन में डेटा सेलेक्ट होके आ गया अब हम चाहते हैं उस डेटा को अपने हिसाब से किसी कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना जैसे कि हमने कहा कि सपोज कि हमने कहा सी एस सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट हमारे पास आ जाए तो सी एस सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट हमारे पास एक टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने स्टोर किया है और उसमें से हम सिर्फ सी एस सेकेंड ईयर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे वेयर सी एस सेकेंड ईयर का वेयर क्लॉज लगा के हमने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया अब हमने जब सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया तो हम सपोज हमारे पास जब सारी स्टूडेंट का डेटा आ रहा है टोटल सिक्सटी स्टूडेंट का डेटा आ रहा है मैं कह रही हूं अब आप रोल नंबर के हिसाब से खड़े हो जाइए या हमने कहा कि अब आप अपने नाम का जो अल्फाबेट है उसके हिसाब से आप लाइन में लग जाइए दैट जो ए नाम के है, पहले आ जाए बी नाम के स्टूडेंट उसके बाद और जेड नाम से जिनकी जेड अल्फाबेट से जिनके नाम शुरू होते हैं सबसे लास्ट में इस तरीके से जब हम अपने सेलेक्ट किए हुए डेटा को किसी कॉलम की वैल्यू के आधार पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना चाहते हैं ऑर्डर बाई सेलेक्ट में कोई चेंज नहीं करता बस रिकॉर्ड्स को ऊपर नीचे अरेंज कर देता है तो ऑर्डर बाई क्लॉज क्या करता है ऑर्डर बाई क्लॉज क्लॉज इज यूज इज यूज टू सिर्फ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड इन एसेंडिंग एंड एसेंडिंग और डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ अ कॉलम तो किसी एक कॉलम के डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट किए गए रिकॉर्ड्स को सिफ्ट करता है जैसे हम इसे ऐसे यूज करते हैं हम लिखते हैं इसको हम हमेशा सेलेक्ट के लास्ट में लगाते हैं दिस दिस ये जो क्लॉज है हमारा दिस क्लॉज इज ऑलवेज यूज ऑलवेज यूज इन द लास्ट इन द इन द लास्ट ऑफ सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट कमांड के सबसे लास्ट में इसे यूज किया जाता है कैसे एग्जाम्पल बताते हैं हमने कहा कि हमने कोई टेबल बना रखा है उसमें एक ब्रांच नाम का कॉलम है और उसमें हमने हर स्टूडेंट का सीएस सेकेंड ईयर सी एस फर्स्ट ईयर आई टी सेकेंड ईर आई टी फर्स्ट ईयर इस तरीके से रिकॉर्ड स्टोर किया है मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब हम टेबल में प्रेजेंट सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम टेबल का नाम क्या है टेबल का नाम है टीबीएल स्टूडेंट नेक्स्ट हमने कहा कंडीशन लगा दिया हमने लिखा वेयर ब्रांच नाम का एक कॉलम है क्या सेलेक्ट करना है जहां पे ब्रांच में ये वैल्यू प्रेजेंट है सी ये सेकंड ईयर बस हमें वही सेलेक्ट करना है लेकिन अब जो सीए सेकंड ईयर के सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ रहे हैं हम चाहते हैं वो नेम के हिसाब से अरेंज हो जाएं तो हमने यूज किया ऑर्डर बाय ये कीवर्ड है जिसे लिखा जाता है ऑर्डर बाय जैसे कंडीशन वेयर लिखने के बाद लगाई जाती है जैसे कंडीशन वेयर लिखने के बाद लगाई जाती है वैसे ही ऑर्डर 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 के बाद लिखा जाता है लिखते हैं और फिर लिखते हैं कॉलम का नाम किस कॉलम की वैल्यू के आधार पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को शिफ्ट करना चाहते हैं हमने लिखा ऑर्डर बाई नेम और किस ऑर्डर में हमने लिख दिया असेंडिंग असेंडिंग के लिए एएससी की वर्ड का यूज करते हैं और डिसेंडिंग के लिए डीईएससी दोनों में से किसी एक ऑर्डर में ही हम अरेंज करेंगे अगर आपको करना है तो ए एस सी नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा ए एस सी होता है होता है। लेकिन करना है, तो है एस सी लिखना पड़ेगा वैल्यू -E के हिसाब के से डिसेंडिंग मतलब जिसका नाम जेड अल्फाबेट से शुरू हो रहा होगा सबसे ऊपर दिखने लगेगा उसके बाद वाई उसके बाद इस तरीके से आपको रिकॉर्ड दिखने लगेंगे और इसको हम कहते हैं ऑर्डर बाई क्लॉज तो इस तरीके से हम सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज किया करते हैं नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ सेलेक्ट के साथ की कुछ और बातें जैसे हमारे पास हम सेलेक्ट में ज्वाइनिंग यूज करते हैं ज्वाइनिंग क्या होता है ज्वाइनिंग का यूज कब करने की जरूरत पड़ती है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे डेटाबेस का जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर हम उसको आगे आ, ज्वाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे पहले इससे रिलेटेड कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं हम यूज करते हैं ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग की क्या जरूरत है मैं बताती हूँ सपोज हमारे पास जब भी कोई डेटा है जैसे कि हमने कोई एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया जिसमें हम स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं अब Table का पहले हम आगे। हमने लिखा रोल नंबर वन रोल नंबर टू रोल नंबर थ्री और इस तरीके से हमने लिखा नेम नेम में हमने कोई भी नाम एड किया हमने लिखा टेकपाइ एंड नेक्स्ट हमने ऐड किया Suppose, हमने लिख दिया, 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 सीएस। सीएस, दिया नल अब सपोज की हमने ये कुछ एक स्टूडेंट का टेबल बनाया है कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हमने यहाँ रखे हैं इसके बाद हम इन, स्टूडेंट्स का अज्यूम करिए इन स्टूडेंट्स का हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में हर स्टूडेंट का कुछ मार्क्स आता है हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट कई बार टेस्ट अटेम्प्ट करता है और हम उसके मार्क्स को एक टेबल में स्टोर करके रख सकें अब बात यह है कि हम टेबल में स्टोर करके रख तो सकते हैं बट जब हम स्टूडेंट का ऑप्टेन मार्क्स और बाकी मार्क्स को स्टोर करेंगे टेबल में तो जब हम बाकी मार्क्स को स्टोर करेंगे टेबल में जैसे हम सपोज स्टूडेंट के ऑप्टेन मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं कि स्टूडेंट ने कितना हैं वो टोटल कितने मार्क्स का पेपर था या आ, किस डेट पे स्टूडेंट ने अटेम्प किया तो हमें इन रिकॉर्ड्स के साथ साथ सपोज हमने लिख दिया आ, थर्टी मार्क्स ऑप्टेन किया टोटल फिफ्टी मार्क्स का आ, पेपर था और ये हमने सपोज सेवेंथ जुलाई को हमने ये टेस्ट लिया तो हमें इन रिकॉर्ड्स के साथ साथ ये भी स्टोर करना होगा कि ये टेस्ट किस स्टूडेंट स्टूडेंट ने दिया अब अगर हम का नाम उसका कोर्स, उसका कोर्स ब्रांच और ये सारी डिटेल फिर से इस टेबल में स्टोर करने लगे ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं होगा तो हम क्या करते हैं हम किसी टेबल में जो रिकॉर्ड्स पहले से स्टोर कर चुके उन्ही रिकॉर्ड्स की जरूरत अगर किसी टेबल में हमें दोबारा से पड़ती है तो हम एक कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम को हम फॉरेन की टाइप का बनाते हैं हमने लिखा रोल नंबर और ये रोल नंबर हम बनाएंगे किस टाइप का फॉरेन की टाइप का फॉरेन की का मतलब ये रोल नंबर में जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो ऑलरेडी टीबीएल स्टूडेंट के रोल नंबर कॉलम में प्रेजेंट होगा इसका नाम रखना सा जो है बिल्कुल सेम जरूरी नहीं है हम लिख सकते हैं यूजर आईडी अब इसमें अगर हम ये ये एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, ये एक है गुड कि अगर हम किसी रिकॉर्ड के प्राइमरी की डेटा को गेट कर लें, जैसे अगर हम लिखते हैं यूजर आई डी वन ने ये टेस्ट दिया है तो फिर बाकी नेम कोर्स ब्रांच इन सब को हमें अलग से फिर से इस टेबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ ये यूजर आई आपको अगर पता चल गया तो बाकी रिकॉर्ड आप यहाँ आके ढूंढोगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा जैसे फिर से एक मा, एक टेस्ट हमने लिया हमने एक टेस्ट लिया उस टेस्ट में हम फोर्टी मार्क्स आए टोटल फिफ्टी मार्क्स का था और सपोज हम एक और कॉलम इसमें क्या नेम था यहाँ पे हम ऐड कर, कर रहे हैं हम यहाँ रहे हैं टेस्ट नेम टेस्ट का क्या नेम था तो अगर हम कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हमने लिखा टेस्ट का नेम था सी यहाँ हमने टेस्ट का नेम लिख दिया डेटा और यहाँ पे हमने फिर से एक डेट स्टोर किया ये नाइन्थ सेप्टेम्बर को ये टेस्ट हुआ तो इसमें यूजर आईडी फिर से हमने पास किया वन इसका मतलब क्या है ये दोनों ही टेस्ट किस यूजर ने दिया है यूजर आईडी डी वन वाले स्टूडेंट ने दिया है यूजर आईडी डी वन मतलब रोल नंबर वन ये जो यूजर आईडी कॉलम है ये फॉरेन की है किससे टीबीएल स्टूडेंट के रोल नंबर से ये जो यूजर आई डी कॉलम है ये फॉरन की टाइप का कॉलम है किस टेबल के किस कॉलम से टीबीएल स्टूडेंट के रोल नंबर कॉलम से मतलब इस 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 कॉलम कॉलम में में जो भी वैल्यूज आएंगी वो टेबल के से से ली गई रहेंगी मतलब इन्हीं कोई वैल्यू इसमें स्टोर होगी अब अगर हमें ये देखना हो कि ये जो थर्टी मार्क्स आए उस स्टूडेंट का नाम क्या था तो आपको यहां से बस यूजर आई डी मिलेगा अब ये यूजर आई डी यहाँ और ये यूजर आई डी यहाँ जब कॉमन मैच करेगा तब आप उसका नाम उसका कोर्स उसका ब्रांच आसानी से पता लगा सकते हो इसको ऐसे जब हम रिकॉर्ड्स को टेबल में स्टोर करते हैं क्योंकि यही डेटा को स्टोर करने का एक अच्छा तरीका है तो जब हम आगे उन दोनों टेबल से मिला के रिकॉर्ड निकाल निकालना चाहते हैं तो हम ज्वाइनिंग लगाते हैं जैसे हम चाहते हैं यूजर का नाम आ जाए उसका ऑपटेन मार्क्स आ जाए उसके टोटल मार्क्स आ जाए और उसके टेस्ट का नाम आ जाए तो नेम जो कॉलम है वो कहाँ पे है टीबीएल स्टूडेंट में और, मार्क्स, टोटल मार्क्स और टेस्ट नेम कॉलम तो और, और इस टेबल का ये कॉलम हेल्प करेगा क्योंकि इस टेबल के इस कॉलम का और टीबीएल टेस्ट के इस कॉलम की वैल्यू जब मैच करेगी तभी हम उस रो को एक साथ मर्ज करेंगे बात समझ आई तो हम इसके लिए ज्वाइनिंग लगाते हैं ज्वाइनिंग का यूज क्या है मैं लिखती हूं ज्वाइनिंग इज यूज टू इज यूज टू सेलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन टेबल मोर देन वन टेबल मोर देन वन टेबल ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ कॉमन कॉलम्स कॉमन कॉलम्स इन बिटवीन ऑल टेबल्स और वो कॉमन कॉलम क्या होगा कॉमन कॉलम होगा प्राइमरी की और फॉरिन की ज्वाइनिंग प्राइमरी की एंड फॉरिन की रिलेशन जिन टेबल्स के बीच में प्राइमरी की और फॉरिन की का रिलेशन बना रहेगा उन टेबल्स पे ज्वाइनिंग काम करेगा मतलब क्या हम इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते कर सकते हैं क्या हम इस वाले रो को इस वाले रो को इस टेबल में किस रो के साथ ज्वाइन करेंगे इन दोनों के साथ इस वाले रो को हम इस टेबल के किस रो के साथ ज्वाइन करेंगे अभी कोई रो नहीं है तो इसलिए ये नल के साथ ज्वाइन होगा इस वाले रो को हम इस टेबल के किस रो के साथ ज्वाइन करेंगे अभी कोई कॉमन कॉलम नहीं कॉमन वैल्यू uh, प्रेजेंट नहीं है तो हम नल के साथ ज्वाइन करेंगे इसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग सो ज्वाइनिंग वर्कल है एक से ज्यादा टेबल्स पे अप्लाई हो सकता है दे आर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे चार तरीके की ज्वाइनिंग है जिसे हम लोग यूज करते हैं पहली ज्वाइन जिसे हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन दूसरी ज्वाइन जिसे हम कहते हैं ऐसे तो कई सारी ज्वाइनिंग है क्रॉस ज्वाइनिंग है फुल आउटर ज्वाइन है या फिर हम एक और ज्वाइन है जिसे हम क्रॉस ज्वाइन कहते हैं एक और ज्वाइन है जिसे हम सेल्फ ज्वाइन कहते हैं लेकिन मेनली चार ज्वाइनिंग यूज होती है जिससे मोस्टली काम आपका हो जाएगा राइट ज्वाइन नेक्स्ट हमारे पास एक ज्वाइनिंग है जिसे हम कहते हैं इनर ज्वाइन और इनर ज्वाइन के बाद एक और हमारे पास ज्वाइनिंग है जिसे हम कहते हैं आउटर ज्वाइन इस तरीके से हमारे पास चार तरीके की ज्वाइनिंग प्रेजेंट है लेफ्ट ज्वाइनिंग जब भी आप लगाते हो तो ये क्या करता है इट सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द फ्रॉम द फर्स्ट टेबल फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड कॉमन रिकॉर्ड्स, एंड कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेकेंड टेबल इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखा दूंगी इसका सिंटेक्स भी मैं लिख दूंगी राइट right ज्वाइन क्या सेलेक्ट करता है राइट ज्वाइन सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द सेकेंड टेबल एंड वनली कॉमन रिकॉर्ड कॉमन रिकॉर्ड्स एंड वनली कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट टेबल फ्रॉम द फर्स्ट टेबल

फ्रॉम फर्स्ट एंडल अब इस तरीके से हमारी करते हैं वो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ ज्वाइनिंग का सिंटेक्स क्या है इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्क्राइब करके आपको बताना चाहते हैं जस्ट गिव मी अट सपोज ये दो टेबल्स हैं हमारे पास अब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने कॉमन कॉलम देख लिया इन दोनों टेबल के बीच में ज्वाइनिंग लगानी है तो कॉमन कॉलम कौन सा है रोल नंबर। टीबीएल टेस्ट का यूजर आईडी ये यहाँ पे प्राइमरी की है मैं सिर्फ लिख रही हूँ और ये यूजर आईडी डी यहाँ पे क्या है फॉरिन की टाइप का कॉलम बनाया गया है अब अगर हम ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं तो हम कौन सी ज्वाइन लगाएंगे इससे पहले ये ज्यादा जरूरी है कैसे लगाएंगे हम चार कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं वॉन्ट्स टू सेलेक्ट सेलेक्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट कॉमा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड एंड टोटल ऑप्टेन मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑप्टेन मार्क्स एंड कॉमा टेस्ट नेम ये चार चीजें हम सेलेक्ट करना चाहते हैं अब आप देखोगे तो देख के ही समझ आ जाएगा कि नेम जो है वो कहाँ है टीबीएल स्टूडेंट में रोल नंबर जो है वो चलो दोनों में है लेकिन जो सारे रोल नंबर है वो कहां पे है वो रोल नंबर टीबीएल स्टूडेंट में क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे रोल नंबर वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है तो वो सारे पे है, स्टूडेंट कहा मार्क्स कहास्ट में टेस्ट नेम कहास्ट ने यहाँ पे अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अगर आप कब कौन सी ज्वाइन जरूरी है लेक्ट इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट वनली दोनि एनी टेस्ट अगर आप सिर्फ उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक टेस्ट दिया हो मतलब सिर्फ वो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड टीबीएल स्टूडेंट में भी प्रेजेंट हो और टीबीएल टेस्ट में भी प्रेजेंट हो ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को अगर आप उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं जिन्होंने कभी ना कभी टेस्ट दिया है जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हम उसे नहीं गेट करना चाहते हैं मतलब जिन्होंने टेस्ट दिया है उसको हम टेबल के फॉर्मेट में इस बात को कैसे कहेंगे मतलब वो स्टूडेंट जिनका रिकॉर्ड टीबीएल स्टूडेंट में भी है और साथ ही साथ टीबीएल टेस्ट में भी है जैसे कौन सा वो स्टूडेंट है जिन्हें जिसने अभी तक टेस्ट दिया है यूजर आई डी वन वाला रोल नंबर वन वाला टू थ्री ने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया तो इसके लिए आप इनर ज्वाइन यूज कर सकते हैं कॉमन रिकॉर्ड जो रोल नंबर यहाँ पे भी प्रेजेंट हो और वो रोल नंबर यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सिर्फ वही रोज निकल के आएंगे इसके लिए इनर ज्वाइन अगर आप सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं जिन्होंने टेस्ट दिया या टेस्ट नहीं दिया जिन्होंने टेस्ट दिया तो उसके बगल में उसका ऑप्टेन मार्क्स आएगा जिसने टेस्ट नहीं दिया उसके बगल में नल वैल्यू आएगी अगर कुछ ऐसा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप लगाएंगे लेफ्ट ज्वाइन। चलो तो मैं एक किसी ज्वाइन का सिंटेक्स बताती हूँ हम लिखते हैं सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद हम लिखते हैं कॉलम का नाम और ऐसे हम बहुत सारे कॉलम के नेम्स लिखा करते हैं लेकिन जब हम ज्वाइनिंग लगाते हैं तो क्योंकि कॉलम के नेम्स बहुत सारे दोनों टेबल से हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टेबल में कहीं कहीं पे कॉलम का नाम सेम सेम आ जाए तो उसके लिए हमें हर एक कॉलम का नाम लिखने से पहले हमें टेबल का नाम भी लिखना पड़ता है दिखाती हूं मैं जैसे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं हमने लिखा टीबीएल स्टूडेंट डॉट रोल नंबर कॉमा टीबीएल स्टूडेंट डॉट नेम इससे क्या समझ आती है कि जो रोल नंबर कॉलम है वो कहाँ प्रेजेंट है टीबीएल स्टूडेंट में जो नेम कॉलम है वो कहाँ प्रेजेंट है टीबीएल स्टूडेंट में अब दो और कॉलम सेलेक्ट करना है ऑप्टेन मार्क्स और टेस्ट नेम तो ऑप्टेन मार्क्स और टेस्ट नेम किस में है टीबीएल टेस्ट में तो क्या लिखेंगे लिखेंगे टीबीएल टेस्ट टीबीएल टेस्ट डॉट टेस्ट नेम कॉमा टीबीएल टेस्ट डॉट ऑपटेन मार्क्स इस तरीके से हम लिखेंगे ये हो गया हमारे कॉलम्स जो सारे कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं लेकिन ये कॉलम्स कहाँ से आएंगे वो आप लिखोगे फ्रॉम और फ्रॉम के बाद कोई एक टेबल तो है नहीं अब तो दो दो टेबल्स आ गए क्योंकि कॉलम जो है वो दो टेबल से आ रहा है तो आप लिखोगे पहले टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट और उसके बाद आप लिखोगे दूसरे टेबल का नाम लेकिन इन दोनों टेबल के नाम के बीच में आप वो ज्वाइनिंग का नाम लिखोगे कि इन दोनों के बीच में कौन सी ज्वाइनिंग लग रही है हमने लिखा लेफ्ट ज्वाइन और फिर हमने लिखा टीबीएल अंडर स्को टेस्ट अब जब भी हम ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान दें ये हमने सबसे पहले लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट के 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 बाद 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 हमने हमने uh, हमने लिखा 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 कॉलम्स कॉलम्स फ्रॉम फ्रॉम दोनों टेबल का नाम और दोनों टेबल के नाम के बीच में हमने लिखा ज्वाइनिंग का नाम कौन सी ज्वाइनिंग लगानी है अब जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो आपको एक और यहाँ पे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कौन सा कीवर्ड ऑन ज्वाइनिंग में एक और की वर्ड यूज होता है कौन सा की वर्ड ऑन की वर्ड और ऑन के बाद हम लिखते हैं कॉमन कॉलम का नाम जिसके आधार पे एक टेबल का रो दूसरे टेबल के कॉलम के तो है प्राइमरी की और फॉरेन की का तो टीबीएल स्टूडेंट का कौन सा कॉलम रोल नंबर टीबीएल स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल होगा किसके टीबीएल टेस्ट के किस कॉलम से यूजर आईडी से इसका मतलब है कि इस टेबल का रोल नंबर और नेम इस टेबल के और मार्क्स और टेस्ट नेम के साथ मर्ज हो जाएगा लेकिन सिर्फ वहीं पे मर्जिंग होगी जहां पे इस कॉलम की वैल्यू और इस कॉलम की वैल्यू क्या हो रही हो मैच हो रही हो तो इस हमारी क्वेरी का जो आउटपुट आएगा इस क्वेरी का हमारा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसा आएगा चलिए हम आपको दिखाते हैं और उसके लिए हम इस साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारा पूरा जो हम आगे टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं वो भी इसी में आ जाए तो हमारा इसका इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया आप ध्यान रखें और इस लेफ्ट ज्वाइनिंग में हमारा पहला टेबल कौन सा है फ्रॉम पहला टेबल हमने लिखा टीबीएल स्टूडेंट अब आप देखिए टीबीएल स्टूडेंट के पहले हमने चार कॉलम सेलेक्ट किया हमने लिखा रोल नंबर दूसरा कॉलम हमने लिखा नेम तीसरा कॉलम हमने लिखा टेस्ट ने चौथा कॉलम हमने लिखा मार्क्स. ये चारों कॉलम के साथ एक नई टेबल बन के आपको मिलेगी रोल नंबर लेकिन ये जो रोल नंबर है वन हम देख रहे हैं कि वो इस वाले टेबल में दो जगह प्रेजेंट है तो इस तरीके से इन दोनों के साथ इन दोनों रिकॉर्ड्स की मैपिंग होगी मतलब ज्वाइनिंग होगी अब टेस्ट नेम क्या है उसमें टेस्ट नेम है पहला जो टेस्ट नेम है वो है सी ऑब्टेन मार्क्स कितना है उसमें 30 ये एक टेबल बन गया ये एक रो बन गया और दूसरा रो भी बनेगा वो हो गया 1 और दिव्या फिर से आएगा जिसमें टेस्ट नेम और ऑब्टेन मार्क्स बदल जाएगा टेस्ट नेम हो जाएगा डीबी और ऑब्टेन मार्क्स हो जाएगा 40 इसके बाद अब हमने पहले रो की मैपिंग कर ली जितने रोस के साथ करनी थी अब दूसरा 2 लेकिन टू सेलेक्ट होके तो आएगा लेकिन इस टेबल में टू कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो एक और यहाँ पे रो बनेगा जो की होगा टू के लिए और टू में नेम अगर देखेंगे तो क्या है टेक फाइल लेकिन अब नेम और टेक फाइल तो हमें मिल गया लेकिन नेम और टेक फाइल के बाद जब हमने देखा कि टेस्ट नेम और मार्क्स क्या है क्या कोई टेस्ट नेम और मार्क्स प्रेजेंट है जिसके साथ मैपिंग हो सकती है तो हमें देखने को मिला कि नहीं भाई इस इस वाले टेबल में कोई भी ऐसा यूजर आईडी नहीं है जहां उसकी वैल्यू टू हो क्योंकि ये वैल्यू जब मैच करेगी इस कॉलम के साथ तभी रो मै मर्ज होगा मैप होगा तो यहाँ पे ये मर, मर्ज हो जाएगा किसके साथ नल के साथ ऐसे ही तीसरा सेलेक्ट होके आएगा कौन सा रोल नंबर है थ्री नेम क्या है श्याम लेकिन क्या थ्री रोल नंबर इस वाले टीबीएल टेस्ट में प्रेजेंट है नहीं है तो ये भी किसके साथ मर्ज हो जाएगा नल के साथ और इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग काम करेगी तो हमने गेट कर लिया कि एक रोल नंबर नेम उसने कौन सा टेस्ट दिया कितना मार्क्स पाया फिर से वही रोल नंबर फिर से नेम कौन सा टेस्ट दिया कितना मार्क्स पाया फिर से वही रोल नंबर नेम लेकिन इनका टेस्ट नंबर नल है मतलब इन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया और इस तरीके से ये सारे रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेंगे सो so, इस आ, तरीके से हमने ये ज्वाइनिंग ऑर्डर बाइ और ये सारे कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया थोड़ा सा और इसमें फंक्शंस के बारे में है जो कि मैं आपको कैसे हम उसको यूज करते हैं ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं मैं आपको नेक्स्ट बनने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगी साथ ही साथ PLX SQL का नेक्स्ट चैप्टर है मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो मैं उसपे भी बनाऊं और आपको उसके भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कैसे हम डेटाबेस में प्रोग्रामिंग किया करते हैं लॉजिक सप्लाई करते हैं थैंक यू सो मच